शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का मंगलवार को भी राप्ती नदी के किनारे बने कृत्रिम पोखरे में विसर्जन किया गया। देर रात तक राजघाट स्थित राप्ती नदी तट पर बने कृत्रिम पोखरे में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। प्रतिमाएं छोटी थी, इसलिए अधिकतर का विसर्जन राप्ती तट पर हुआ। पुलिस फोर्स की सख्ती के चलते मूर्तियों का विसर्जन बाघागाड़ा पुल में नहीं हो सका। नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम पोखरे में ही विसर्जन किया गया। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन नगर निगम द्वारा बनाए गए 3 पोखरों में ही किया गया। राप्ती पुल के पास भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। समिति के लोग मूर्तियों के छोटे होने से कोई विरोध नहीं कर रहे थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, मूर्ति के साथ है एक आदमी जो ट्रैक्टर से मूर्ति जा रहे हैं, एक आदमी आकर बोली मैया जय माता। मूर्ति विसर्जन देखिए चल रहा है इस समय, और नगर निगम द्वारा जो है ये तालाब बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नगर निगम, PWD, पुलिस, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और शांतिपूर्वक और सुचारू ढंग से ये संपन्न कराया जा रहा है। थाने के अलावा अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है। हाँ, थाने के अलावा अतिरिक्त जो है बाढ़ राहत की PAC आई है।
और उसके अलावा NDRF SDRF की टीमें भी लगी हुई हैं, जो लोगों की कोई डूबने न पाए या किसी तरह की आकस्मिकता की स्थिति में से निपटने के। नहीं, अभी तक कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली है, मुस्तैदी से काम हो रहा है।